नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री आज 1.5 लाख लोगों को देंगे वृद्धावस्था पेंशन की पहली किस्त। राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई वृद्धावस्था पेंशन योजना 50 से 60 वर्ष की पहली किस्त बुधवार को दी जाएगी। इस योजना के तहत सभी वर्ग की महिला व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष को 1000 रुपये प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। बता दें, यह जानकारी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार व निदेशक शशि प्रकाश झा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कुल 1,58,218 लाभुकों के बैंक खाते में 3.16 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। समारोह का आयोजन खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में 12 बजे से किया जाएगा। समारोह में सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। इस मौके पर राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ भी होगा। इसके तहत विधवा पुनर्विवाह करने वाली महिला को 2 लाख रुपए सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। पुनर्विवाह करने वाली कुल 7 महिलाओं को राशि दी जाएगी। योजना के तहत चयनित महिलाओं में लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला खरसावा की 1-1 व पलामू व हजारीबाग जिला की 2-2 महिलाएं शामिल हैं। श्रम विभाग निजी क्षेत्र में 20,000 रोजगार कराएगा मुहैया। लोकसभा चुनाव के बाद जून 2024 तक श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग राज्य के करीब 20,000 बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मुहैया कराएगा। स्किल और रोजगार मेले के द्वारा दी जाने वाली इस योजना में बेरोजगारों को निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों में नियुक्ति दी जाएगी। विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। यह जानकारी श्रम और उद्योग विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मंगलवार को शहर के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में दी है। कार्यशाला में उद्योग सचिव जितेंद्र सिंह, श्रम विभाग के प्रभारी सचिव मुकेश कुमार, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य सहित विभाग के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय चौबे का तबादला। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे का तबादला कर दिया गया है। उनको पंचायती राज विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। उनकी जगह किसी अन्य को सीएम के प्रधान सचिव के रूप में पदस्थापित नहीं किया गया है। इसके अलावा 3 अन्य विभागों के सचिव का भी तबादला किया गया है। इधर अविनाश कुमार को मुख्यमंत्री का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। मुख्यमंत्री के सचिव पद पर पदस्थापित अरवा राज कमल को गृह सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी है। दुमका सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता अपनी आगे की यात्रा के लिए रवाना। दुमका सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता मंगलवार को अपनी आगे की यात्रा के लिए रवाना हो गई है। रवाना होने से पूर्व उन्होंने दुमका के एसपी को धन्यवाद दिया और उनके साथ सेल्फी भी ली है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत कर स्थानीय लोगों और सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटना मेरे साथ पहली बार हुई है, ये कहीं भी किसी के साथ हो सकता है। इस स्पेनिश टूरिस्ट महिला ने इंडिया आने की वजह के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया बेहद शानदार जगह है, यहाँ सब कुछ ठीक है, इसलिए मैंने भारत आने का निर्णय लिया। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि इस घटना के बाद क्या भारत के लोगों बारे में उनकी मानसिकता बदल गई, तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अब भी समझती हूँ कि इंडिया के लोग बेहद शानदार हैं। मेरे साथ हुई घटना के बाद मैं दोष केवल इस तरह के हरकत और सोच रखने वाले अपराधियों को दे रही हूँ। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ की सरकार और लोगों को जिन्होंने इस घटना में इसका साथ दिया उनके प्रति आभार प्रकट किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, राज्य में कानून का शासन होगा या उपद्रवियों का राज चलेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को चान्हो के सिलागाई में बनने वाले एकलव्य विद्यालय के चयनित स्थल को बदलने के विरोध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुना। मामले में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दायर जवाब पर खंडपीठ ने नाराजगी जताई है। साथ ही पिछली सुनवाई में लगाए गए 25,000 रुपये के जुर्माना को हटाने के आग्रह को खंडपीठ ने नहीं माना और जुर्माने की राशि को पूर्व सैनिक विधवा कल्याण कोष में जमा कराने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार के शपथ पत्र पर प्रार्थी को अपना प्रति उत्तर दायर करने का निर्देश दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर 23 जिलों में 1-1 कंपनी अर्धसैनिक बल तैनात। झारखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर 23 जिलों में 1-1 कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश पुलिस मुख्यालय आईजी अभियान स स्टेट पुलिस नोडल अधिकारी ने जारी किया है।
23 जिलों में से 18 जिलों में एक एक कंपनी सीआरपीएफ और 5 जिलों में एक एक कंपनी एसएसबी की तैनाती की गई। पलामू जिला में सबसे अधिक 2 कंपनी सीआरपीएफ तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गृह मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों को इलाके में अभियान चलाकर इलाके को अपने प्रभाव में लेने अर्थात एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। झारखंड में काम पर हावी है भ्रष्टाचार, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पश्चिमी सिंहभूम में प्रकृति संसाधनों की इतनी प्रचुरता है कि यहां का लैंड विदेश का हाईलैंड बन सकता है, पर आज क्षेत्र की हालात खराब है। सरकार ने बंद खदानों को इसलिए नहीं खुलवाया ताकि वह अपने चहेतों को खदान दे सके। सरकारी पदाधिकारी मिलकर पैसों का न्यारा वारा कर रहे हैं। झारखंड में काम पर भ्रष्टाचार हावी है, बालू का अवैध परिवहन किया जा रहा है। श्री मरांडी मंगलवार को स्थानीय खुटकट्टी मैदान में भाजपा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इस बार सिंहभूम लोकसभा सीट हर हाल में जीतना है, काफी मतों के अंतर से जीतना है, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। बोकारो के छऊ कलाकार परीक्षित महतो को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार। बोकारो के चंदन कियारी प्रखंड के खेड़ा बेड़ा गांव निवासी छऊ नृत्य के कलाकार परीक्षित महतो को 6 मार्च को दिल्ली में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। परीक्षित महतो ने चंदन कियारी को गौरवान्वित किया है। 1982 से लगातार संघर्ष के बाद उन्होंने अपनी पहचान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है। सामान्य कृषक परिवार में जन्मे परीक्षित महतो ने झारखंड के क्षेत्रीय लोक कला छऊ को ही जीवन का आधार बनाया। इनका जन्म 8 फरवरी 1966 को कुड़मी परिवार में हुआ। पिता स्वर्गीय रहनी महतो एक साधारण किसान परिवार से थे, माता स्वर्गीय रमणी देवी गृहिणी थी। श्री महतो ने मुख्य पेशा छऊ व कृषि को जीविका बनाया है। आज दोपहर बाद बाबा व माता पार्वती मंदिर से खुलेगा पंचशूल। बुधवार दोपहर 3 बजे के बाद बाबा मंदिर व माँ पार्वती मंदिर से एक साथ पंचशूल उतारा जाएगा। दोनों पंचशूल को मिलन कराने के पश्चात इसकी सफाई की जाएगी। वहीं पंचशूल खुलने के साथ ही बाबा व माँ पार्वती के बीच गठबंध चढ़ाने की परंपरा भी बंद हो जाएगी। दूसरे दिन यानी गुरुवार को बाबा व माँ पार्वती सहित अन्य मंदिरों से खोले गए पंचशूल की सफाई के बाद विशेष पूजा की जाएगी। इसके बाद पंचशूलों को मंदिर के शिखर पर लगाया जाएगा। पंचशूल खुलने के पूर्व सबसे पहले बाबा व माँ पार्वती मंदिर के बीच बंधा प्रेम के प्रतीक गठबंध को खोला जाएगा। इसके बाद राजू भंडारी की अगुवाई में एक साथ दोनों मंदिरों के शिखर पर भंडारी चढ़ेंगे तथा दोनों मंदिरों के पंचशूल को खोलकर पीठ में बांधकर जंजीर के सहारे नीचे उतरेंगे। आज देवघर गोड्डा पैसेंजर को हरी झंडी दिखाएंगे सांसद निशिकांत दुबे। 6 मार्च को सुबह 11 बजे देवघर से गोड्डा भाया मोहनपुर हंसडीहा रेल लाइन से पहली पैसेंजर ट्रेन को गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे हरी झंडी दिखाएंगे। डॉक्टर दुबे इस पैसेंजर ट्रेन पर सवार होकर अपने समर्थकों के साथ गोड्डा भी जाएंगे। देवघर स्टेशन में रेलवे द्वारा सारी तैयारी की गई है। सुबह 11 बजे सांसद डॉक्टर दुबे देवघर विधायक नारायण दास के साथ ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देवघर से गोड्डा को जोड़ने वाली मोहनपुर हंसडीहा रेल लाइन का उद्घाटन करने के बाद एक सप्ताह के अंदर ही देवघर से गोड्डा के लिए यह दूसरी ट्रेन खुलने जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 2 मार्च को ही देवघर डिम्बूगढ़ ट्रेन का शुभारंभ किया था। भाजपा चुनाव समिति की बैठक आज। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुधवार को नई दिल्ली में होगी। इसमें धनबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पर चर्चा हो सकती है, साथ ही प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। गुरुवार तक प्रत्याशी की घोषणा भी की जा सकती है। भाजपा नेताओं के अनुसार 6 मार्च को नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे। इस बैठक में देश के कई लोकसभा सीटों पर चर्चा होनी है। इसमें झारखंड के धनबाद एवं चतरा सीटों पर भी चर्चा होनी है। झारखंड से खत्म हुआ पश्चिमी विक्षोभ का असर। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो गया है। हालांकि सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की वजह से मंगलवार को भी बादल छाए रहे, वहीं राजधानी में ठंडी हवा भी बही। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने से 11 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा, आसमान साफ रहेगा। पहले मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 मार्च तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया था। मंगलवार को दोपहर बाद मौसम साफ हो गया। बादल के कारण राजधानी का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटा में संथाल परगना के कोयलांचल में बारिश हुई है। वहीं धनबाद के पुटकी में सबसे अधिक करीब 27 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं संथाल परगना में सारठ के आसपास भी करीब 10 मिलीमीटर बारिश हुई है। धन्यवाद।